Now, further, when we talk about ionic bonding, we have some conditions for ionic bond formation as well. जैसे कि this bonding always occurs between metals and non-metals. और rule क्या है? Metal donate electrons to form positive ions, and non-metals gain electrons to form negative ions. Now, properties of ionic compounds देखिए. Now, they are all crystalline solids at room temperature. They are all hard and brittle. High density compounds हैं. They have high melting and boiling points. क्यों है? Due to strong electrostatic attraction. ये question बहुत common है that why do ionic compounds have high MP and VP? Because they have strong electrostatic forces of attraction. Moreover, they are non-volatile. मतलब कि volatile का क्या मतलब होता है? बहुत prone है evaporate होने से. ये non-volatile है. ये evaporate नहीं होंगे अगर आप इनको खुला भी छोड़ देंगे. Moreover, अगर वो they are good conductors of heat, so they are also good conductors of electricity in aqueous and molten. Solids में they are not good conductors. क्यों? क्योंकि जब आयोनिक बॉन्ड सॉलिड में होते हैं दे कैन नॉट मूव. हमने सॉलिड का पढ़ा था इन द फर्स्ट सेकंड चैप्टर स्टेट्स ऑफ मैटर में. सॉलिड्स में इलेक्ट्रॉन्स एंड पार्टिकल्स कैन नॉट मूव. मोल्टन या एक्वस फॉर्म जब हम लिक्विड की बात करते हैं इलेक्ट्रॉन्स कैन मूव और फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है, फ्लो ऑफ पार्टिकल्स होता है, फ्लो ऑफ एटम्स होता है. इलेक्ट्रिसिटी भी इलेक्ट्रॉन्स के थ्रू ही कंडक्ट होती है. तो आयोनिक कंपाउंड्स कैन ओनली कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन एक्वस एंड मोल्टन फॉर्म, लेकिन बैड कंडक्टर्स हैं इन दिस सॉलिड फॉर्म. रीजन क्या है? ये बहुत दफा क्वेश्चन आता है. दिस पॉइंट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वन. एक मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्यों ज्यादा है और एक गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी वो एक्वस में ज्यादा अच्छी क्यों है, ये मोल्टन फॉर्म में क्यों? दिस इज वन ऑफ द रीजन जो इलेक्ट्रोलिसिस में पूछा जाता है. अब इलेक्ट्रोलाइट जो है, इलेक्ट्रोलाइट हम एक मोल्टन आयोनिक कंपाउंड क्यों लेते हैं? क्योंकि ओनली अ मोल्टन आयोनिक कंपाउंड इन एक्वस फॉर्म कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी. अगर आप सॉलिड आयोनिक कंपाउंड इलेक्ट्रोलिसिस में ले आएंगे, इलेक्ट्रोलिसिस होगा ही नहीं. इलेक्ट्रोलिसिस नाम से पता लग रहा है इलेक्ट्रिसिटी चाहिए. इलेक्ट्रिसिटी सिर्फ एक एक्वस मोल्टन फॉर्म का आयोनिक कंपाउंड जैसे कि NaCl हो गया, NaCl एक्वस हो गया, H2SO4 एक्वस हो गया, वो ही कैरी आउट कर सकते हैं. रीजन क्या है? क्योंकि सॉलिड में आयन्स कैन नॉट मूव. मोर ओवर आयोनिक कंपाउंड्स आर सॉल्युबल इन वाटर. यूजेस ऑफ आयोनिक कंपाउंड्स को देख लेते हैं. दे आर यूज्ड एज रिफ्रैक्टरी मटीरियल. नाउ द सब्सटेंस रिफ्रैक्टरी मटीरियल कैसे? ऐसी सब्सटेंस को लेते हैं ज्यादातर विच रिमेन स्टेबल इन हाई टेम्परेचर. जब तक आप ऐसी चीज लेंगे जो कि स्टेबल है हाई टेम्परेचर में ड्यू टू हाई मेल्टिंग पॉइंट, दे आर यूज्ड इन द इंटरनल लाइनिंग ऑफ फर्नेसेस. क्योंकि फर्नेसेस है ईंट के भट्टे हैं, वहां पे आपने एक रिफ्रैक्टरी मटेरियल अच्छा होना चाहिए जो कि फर्नेस के लाइन कर दे. मैग्नीशिया MgO और एलुमिना Al2O3, ये दो आपके पास आयोनिक कंपाउंड है जो कि आप यूज कर सकते. अब एक क्वेश्चन आता है, व्हाई इज द मेल्टिंग पॉइंट? ये बहुत इंपॉर्टेंट है. व्हाई इज द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ MgO higher as compared to NaCl. अब NaCl भी ionic compound है, MgO भी ionic compound है. The only difference is कि जो MgO है Mg+2 होता है, oxygen -2 होता है, ठीक है. यहाँ पे sodium जो है +1 होता है, chlorine -1 होता है. So why is the melting point of MgO much higher compared to NaCl? Although both are ionic compounds, रीजन ये है कि इन MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड देर इज अ +2 एंड -2 इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन. जो +2 -2 के इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन होती है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, जबकि +1 और -1 वाली जो इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन है बिटवीन सोडियम एंड क्लोरीन दैट इज वीकर. दैट इज व्हाई मैग्नीशियम ऑक्साइड हैविंग अ +2 -2 अट्रैक्शन इज स्ट्रॉन्गर, हेंस दे हैव अ हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट. तो ये कुछ क्वेश्चन थे जिनका मैंने आपको बता दिए. Properties of ionic compound is important. Uses of ionic compound is important. ये वाला जो question है ये बहुत ज़्यादा important है. दोनों ionic हैं. फिर क्या फर्क था? कि magnesium +2 है, oxygen -2 है, sodium +1 है, chlorine -1 है. तो +2 -2 वाले compounds की जितना ज़्यादा charged होगा, इसको हम charge density भी कहते हैं. A levels में, A2 chemistry में आपका एक पहला chapter होता है. उसका नाम है lattice energy. लैटिस एनर्जी में व्हेन आई टीच माय स्टूडेंट्स ये पहला कॉन्सेप्ट होता है जो चार्ज डेंसिटी का समझाना होता है कि हाउ इज चार्ज डेंसिटी रिस्पॉन्सिबल फॉर दी हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स. बिल्कुल A2 केमिस्ट्री में जब आप लोग जाएंगे यू वुड सी कि एक चैप्टर आएगा लैटिस एनर्जी के नाम से, वहां पर यह कॉन्सेप्ट दोबारा आएगा. तो अच्छा आपको अभी से पता लग गया कि इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन डिपेंड्स ऑन दी चार्ज डेंसिटी. तो वो चार्ज +1 -1 है या +2 -2 है या +3 -3 है. जितना ज्यादा चार्ज होगा उतनी ज्यादा आपकी अट्रैक्शन ज्यादा होगी, और जितनी ज्यादा स्ट्रॉन्गर अट्रैक्शन होगी उतना ही ज्यादा हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होगा. क्यों? इसका भी क्वेश्चन आता है कि क्यों है हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट. भाई आप जितनी ज्यादा हीट देंगे उनके दरमियान इतनी स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है कि आपको हीट इंक्रीज करनी पड़ेगी.
ऑब्वियसली एक आयोनिक कंपाउंड को 1000 एनर्जी चाहिए टूटने में, एक को 2000 एनर्जी चाहिए, क्या फर्क है दोनों में? एक के बॉन्ड्स बहुत स्ट्रॉन्ग है जो वो 2000 टेम्परेचर खा जाता है मेरा, एक के बॉन्ड्स वीक है जो कि मेरा सिर्फ 1000 टेम्परेचर खा रहा है। तो ये वजह होती है फॉर हाई मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट, जितने ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स उतने ज्यादा अट्रैक्शन, उतनी ज्यादा हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। इसलिए तो हम कहते हैं कि हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट बिकॉज मोर टेम्परेचर इज नीडेड टू ओवरकम दी फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन एंड टू ब्रेक दोज बॉन्ड्स, जो आप किसी एग्जामिनर की मार्क्स की में एक्सप्लेनेशन होती है, टू ओवरकम दैट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और टू ओवरकम दैट बॉन्ड्स या टू ब्रेक दोज बॉन्ड्स, क्योंकि ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड्स भी कोई एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक एनर्जी तो रिलीज होती है और वो इसी वजह से है। And this is all for ionic bonding.